नमस्कार, स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। आज हम आपको बताएंगे सूर्य और शनि के आमने सामने होने से कौन से योग्य बनते हैं। 16 जुलाई शुक्रवार को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करते ही सूर्य और बुध ग्रह की युति खत्म हो जाएगी और बुधादित्य नाम का शुभ योग समाप्त हो जाएगा। 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में ही रहेगा। सूर्य के कर्क राशि में आने से शनि की दृष्टि उस पर पड़ने लगेगी, जिससे समसप्तक नाम का अशुभ योग बनेगा। इस अशुभ योग का असर सभी लोगों और देश दुनिया पर होगा। ज्योतिष में सूर्य और शनि को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। जब भी ये दोनों ग्रह आमने सामने होते हैं, तब देश दुनिया में अनचाहे बदलाव और दुर्घटनाएं होती है। इस योग के कारण तनाव, अशांति और डर का माहौल भी बनता है। पिछले साल भी इन दिनों में ये अशुभ योग बना था। इन दिनों शनि अपनी ही राशि में विकरी है। सूर्य शत्रु ग्रह के साथ कर्क राशि में है। सूर्य पर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। ग्रहों की ये स्थिति ठीक नहीं है। सूर्य की राशि बदलने का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, जिससे ज़्यादातर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। कई लोग मानसिक और शारीरिक तौर से तो परेशान रहेंगे ही, साथ ही सेहत संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।